जनपद पर सोनिया गांधी से महत्वपूर्ण बैठक, खड़गे और माकन 10 जनपद पहुंचकर रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर आपने देखा भी अब से कुछ देर पहले, आज माकन को आपने सुना, खड़गे को आपने सुना। कहा गया कि जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ राजस्थान में वो हम हमारी अध्यक्ष को बताएंगे, सोनिया गांधी को बताएंगे। और अब बड़ी जानकारी ये कि अहम बैठक होगी 10 जनपद पर सोनिया गांधी से। खड़गे माकन दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो कि अब रिपोर्ट बनाई गई है वो सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी। रखा गया मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही, उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा, तो देखिए बड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने। 10 जनपद पर सोनिया गांधी से महत्वपूर्ण बैठक करेंगे खड़गे और माकन। रिपोर्ट जो बनाई गई है, तमाम घटनाक्रम जो राजस्थान में हुआ है सभी जानकारी सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे। रिपोर्ट बकायदा सौंपी जाएगी माकन और खड़गे की ओर से सोनिया गांधी को। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए सियासी घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है। पर्यवेक्षक भेजे गए थे माकन और खड़गे, और यही पर्यवेक्षक अब दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो कि सोनिया गांधी से बैठक करेंगे उनके साथ में, और बकायदा रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। और उस संबंध में जो भी हमको कहना था आज सुबह मैंने कह दिया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए अब 10 जनपद कांग्रेस अध्यक्षा को हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। सर कमलनाथ दिल्ली आए हैं, मैडम के नाम लेना चाहेंगे आप? देखिए हमें कुछ इस चीज के बारे में सिर्फ इसके कि हम वहां से यहां आए हैं और सीधे 10 जनपद में हम श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। खड़गे जी और हम दोनों के दोनों जाएंगे। अभी जा रहे हैं, क्या निराश है, क्या निराश है? अभी इसी वक्त हम जाएंगे, जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से उन मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। तो आपने सुना खड़गे और माकन को साफ तौर पर कहा गया है कि अब जो भी घटनाक्रम हुआ है वो सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे। 10 जनपद पर उनके वहां पर पहुंचेंगे तमाम नेता और बैठक बकायदा की गई है। सहयोगी मनोहर विश्नोई इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। मनोहर का हम रुख करेंगे और जानेंगे। मनोहर दिल्ली पहुंच चुके हैं पर्यवेक्षक जो कि राजस्थान भेजे गए थे, और कहा गया है कि भाई जो भी घटनाक्रम हुआ है हमने उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर ली और वही रिपोर्ट अब सोनिया गांधी को हम सौंपेंगे। आगे क्या कुछ सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरी खबर पर? अब बिल्कुल देखिए फिलहाल तो आप इतना ही कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से वो रास्ते में है और सोनिया गांधी के निवास के लिए आ रहे हैं। 4:30 बजे करीब बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी, और जो राजस्थान का घटनाक्रम था 2 दिन में जो वहाँ पर जो चीज़ें हुई और उनके पास जो इनपुट है वो सोनिया गांधी को सबमिट करवाएंगे। जैसा कि कल पूरे दिन जो राजनीतिक घटनाक्रम चला राजस्थान में, तो वो जिस तरीके से एक अलग तरीके से जो पार्टी की जो उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं था, और उसके खिलाफ जिस तरीके से जो एक्टिविटी उनको नजर आई है उसको देखते हुए जो वो रिपोर्ट है उनके पास रही है, उस रिपोर्ट को सबमिट करवाएंगे। आप तस्वीरों देखो, देखिए एक गाड़ी पहुंच चुकी है, वेणुगोपाल जी, वेणुगोपाल पहुंचे हैं, वेणुगोपाल सबसे पहले, वेणुगोपाल जो देखो जनपद 10 जनपद इस वक्त जो है 10 जनपद जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैसी वेणुगोपाल एंट्री कर चुके हैं, और अब थोड़ी देर बाद में बताया जा रहा है कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही इससे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले ही रामेश्वर डूडी यहां पर पहुंचे हैं। सब चौंकाने वाला यह था कि रामेश्वर डूडी यहां पहुंचे हैं, और कैसे पहुंचे, या बुलावे पर पहुंचे हैं या फिर अपने समय लेकर पहुंचे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता रहे हैं कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जो गाड़ी जो पहुंची है उसमें कैसी वेणुगोपाल जो है 10 जनपद के अंदर पहुंच चुके हैं, और गाड़ी से निकलते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वेणुगोपाल